33 रनों की पारी खेली। इस एक्शन रिप्ले से स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की थी, लॉन्ग रन क्षेत्र में फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की। बॉल के ऊपर आखिरी समय तक निगाहें टिकाए रखी क्षेत्र रक्षक ने, बहुत ही अच्छा नियंत्रण और संतुलन देखने को मिला। नमन को मिलने वाली सफलता, फील्डर मौजूद थे पूरे उत्साह के साथ, कोई गलती नहीं की। नए बल्लेबाज आए हैं, एक बहुत ही युवा खिलाड़ी रुद्र प्रताप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और यही दिल्ली की क्रिकेट की खासियत है कि अगर आप प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं तो उम्र का कोई प्रभाव और असर देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इस बल्लेबाज के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका, एक बहुत ही महान क्षण कि आप खेल के मैदान में और आपका मैच सीधा प्रसारित किया जा रहा है डीडी स्पोर्ट्स पर। सही गेंद कलाइयों के सहारे खेली, बेहतरीन यहाँ पर अपनी कलाइयों का परिचय दिया यहाँ पर। और मनोज देखिए, जब बल्लेबाज स्टंप लेता तो स्टंप उनसे ऊपर निकल जाती है। फिर से बल्ले के बीचों बीच लेकर के तो सीधे बल्ले से खेला। भारत का भविष्य इस समय मैदान के ऊपर। और देखिए जो थाई गार्ड है उन्होंने चेस्ट गार्ड बना लिया है और जैसे ही वो झुकते हैं तो स्टंप्स उनके ऊपर निकल जाती है। राइटेड गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल, जो इस बात को दर्शाता हुआ कि इस बल्लेबाज का भविष्य जो बहुत सुनहरा है। गैप अंदर हेलमेट के अंदर पहनी हुई, हेलमेट भी उतनी साइज का नहीं मिला हुआ, तो हेलमेट को टाइट करने के लिए उन्होंने पहले अंदर कैप पहना है, उसके बाद उन्होंने उस हेलमेट को पहना। एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद पड़ने के बाहर की तरफ निकली और बिल्कुल सही अंदाज में गेंद को छोड़ा। और मुझे लगता है मनोज, यदि सचिन तेंदुलकर इस समय इस मैच को देख रहे होंगे तो जरूर उनको एहसास हो रहा होगा कि कभी उनका भी ऐसा समय था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मौके पर मुझे आकाश चोपड़ा का वाक्य नजर आ रहा है कि आकाश चोपड़ा, जिनका संबंध सॉनेट क्लब से, और जब उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की थी तो उस समय लेग गार्ड्स उनके साइज के नहीं आए थे, तो उनकी माता जी ने नॉर्मल लेग गार्ड्स को कैची से काट करके उनके साइज का बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि इस युवा खिलाड़ी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका। रुद्र प्रताप, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल में उन्होंने बल्लेबाजी की है अब तक। अठारह ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है, कुल स्कोर 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। योगेश सती अभी भी पिच पर मौजूद है 25 के व्यक्तिगत योग पर। और ऐसा लगता है मनोज कि योगेश को यहां से अपने हाथ खोलने होंगे, क्योंकि अब इस पारी में कोई खास समय शेष नहीं है। लगभग 2 ओवर यहां पर बचे हैं, यानी कहने 11 गेंदें और बची हैं। मुझे लगता है यहां पर सिंगल को लेना चाहिए था बल्लेबाज को, काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तान ने बिल्कुल सभी फील्डर सीमा रेखा के बाहर, तो सीमा रेखा के ऊपर खड़े थे। देखिए वही गलती, पहला रन यदि आपने ले लिया होता तो शायद वो एक रन और आपके खाते में जुड़ता, और मिसफील्ड भी हुआ यहाँ पर, उसका लाभ यहाँ पर नहीं लिया। जैसे ही देखा छोटे नाते कद के बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं तो सभी खिलाड़ियों को नजदीक बुला लिया गया, क्योंकि जानते हैं उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंच पाए। 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बाहर पड़ने और बाहर की तरफ भी, और मुझे लगता है इस बल्लेबाज का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है मनोज, क्योंकि मात्र इनकी उम्र 5 साल है। बिल्कुल 5 साल की उम्र में आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आपने कुछ जरूर किया है कि कप्तान ने आपको फाइनल मैच में मौका दिया है। पर एक अच्छी शुरुआत अगर रुद्र की बात की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके की क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस क्रिकेट के अनुभव का लाभ मिलेगा। हालांकि बॉल हवा में जरूर रही थी, लेकिन भाग्यशाली रहे रुद्र। और रुद्र को
जैसे ही स्ट्राइक पर देखा संकल्प ने सभी खिलाड़ियों को 30 गज के दायरे में तैनात कर दिया है। अच्छी कप्तानी संकल्प द्वारा, क्योंकि उनकी कोशिश यही होगी कि रुद्र को अधिक से अधिक गेंदें खिलाई जाएं, क्योंकि डेथ ओवर्स इस समय चल रहे हैं। पारी के अंतिम ओवर्स में आप जितनी अधिक डॉट बॉल्स फेंकेंगे उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वही सब कुछ किया दिल्ली वॉन्डर्स के गेंदबाजों ने। इसी के साथ पारी के 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं। कुल स्कोर 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महत्वपूर्ण योगदान दिया था मनोज ने, जो कि पारी की शुरुआत करने आए थे, 33 रन बनाने में सफल रहे। वहीं दूसरी तरफ अभी भी योगेश सती पिच पर मौजूद हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जामिया यूनिवर्सिटी का खूबसूरत हरा भरा क्रिकेट मैदान, और इस मैदान पर वर्ष भर क्रिकेट आयोजित की जाती है। और इस मैदान से एक ऐसा खिलाड़ी निकल करके आया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बल्लेबाजों की थाप जमा दी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा। हम आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग का संबंध जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से। इसी मैदान पर उन्होंने काफी वर्षों तक क्रिकेट खेली। फिलहाल पारी का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं संकल्प, टीम के कप्तान। और पहली गेंद पर यहाँ पर सफलता मिलती हुई बल्लेबाज आउट होकर जाते हुए ट्राई करने आता थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद को नीचे रखने में कामयाब नहीं पाए और वहां पर खड़े फील्डर स्पर्श के हाथों में गेंद गई और एक आसान सा कैच यहाँ पर, और दिल्ली इलेवन को लगने वाला चौथा झटका यहाँ पर रन गति बढ़ाने का प्रयास। लेकिन बहुत देर से जाके शायद ये प्रयास उन्होंने पहले किया होता तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बन पाता। लेकिन फिलहाल मात्र 5 गेंदें यहाँ पर अनिशेष हैं और देखना है इन 5 गेंदों में कितने रन बनेंगे। योगेश सती आउट होकर जाते हुए 34 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 26 रन अपनी टीम के लिए इन्होंने बनाए और कहना होगा सेकेंड हाईएस्ट स्कोर अभी तक अपनी टीम के लिए रहे। ये बहुत ही टीमी है अभी तक बल्लेबाजी यहाँ पर, उन्होंने प्रशांत थे जिन्होंने उस बेहतरीन कैच को पकड़ा था। सती के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए सिद्ध यादव आए हैं नए बल्लेबाज, जो कि सामना करेंगे बची हुई 5 गेंदों का। देखना है इन 5 गेंदों कितने और रन बनाते हैं। वही कप्तान ने एक बार फिर से नजदीकी खिलाड़ियों को चारों तरफ उनके इकट्ठा कर दिया है, जिससे कि तो बड़ा स्ट्रोक ना खेल पाए। और उनके बाहर ही गेंद थी, थर्ड मैन की तरफ गेंद को खेला पहली गेंद को और एक रन यहां पर लिया। और वही अंजाम जो कप्तान भी यही चाहते थे, पहली गेंद पर सिंगल दे दिया जाए, तो फिर वो जो नन्ना मुन्ना बल्लेबाज 5 वर्षीय इस समय ध्रुव सामना करेंगे। और इन 5 गेंदों 4 बची हुई गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे, ध्रुव को अभी अपना खाता खोलना है। रुद्र भले ही 5 वर्षीय हैं, लेकिन आत्मविश्वास से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। कहीं भी उनके ऊपर कोई दबाव देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही खूबसूरत उनका स्टांस, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल। हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बल्लेबाज ने रन लेने की इच्छा जरूर जाहिर की थी, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। ऐसा लगता है कि रुद्र अधिक से अधिक स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। कलाइयों का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया, बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में रुद्र ने इस बॉल को खेला। इस बार पीट कराने में कामयाब हुए गेंदबाज रुद्र को। ऑस्ट्रेलिया और बाहर की तरफ निकल गई थी, रुद्र ने केवल गेंद को पुश करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर थी। फिर से थोड़ा सा फ्लाइट किया था, हल्के हाथ से गेंद को खेला, रन लिया और यहां पर इस तरह रुद्र का खाता खुलता हुआ। मैदान में मौजूद स्थानीय दर्शकों ने तालियों के साथ स्वागत किया रुद्र के पहले रन का। 5 वर्षीय नन्ना मुन्ना बल्लेबाज जिन्होंने 1 रन की मदद से अपना खाता खोला। फिलहाल स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज हैं अंचित यादव, मात्र 2 गेंदे शेष इस पारी में। दिल्ली 11 पुल करने की कोशिश की थी लेकिन रुद्र अपनी क्रीज में मौजूद। यहां से ऐसा लगता है कि शायद ओवर की समाप्ति कर दी है अंपायर ने। 20 ओवर्स की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि
20 ओवर्स में दिल्ली वॉन्डर्स को